तो आज की इस वीडियो में मैं चलाने वाला हूँ एक सुपर कार, वो भी पानी के ऊपर। फिर मैं सुपरमैन की तरह एक बहुत ऊंची बिल्डिंग से लटकता हुआ जाने वाला हूँ दूसरी बिल्डिंग में, और उसके बाद मैं लैम्बोर्गिनी भी चलाने वाला हूँ। जीटीए में तो बहुत चलाई थी, बट अब बारी है रियल लाइफ की। वेट गाइस, मुझे पता है भी आप लोग के क्या सवाल है, आखिर इतना सब कुछ एक वीडियो में। हाँ, लास्ट महीने मैं गया था दुबई और मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि मुझे क्या क्या करना चाहिए दुबई जाके, तो उसने मुझे पूरा एक एपिक एडवेंचर ट्रिप प्लान करके दिया है, जो कि तुम्हें इस पूरी वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। मैंने बहुत सारी चैलेंजिंग चीजें करी है और बहुत सारी क्रेजी चीजें भी करी है। लेट्स गो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बढ़ते हैं वीडियो में। तो अभी मैं आ चुका हूँ जेट कार चलाने। देखो यार, रोड पे गाड़ी चलाई है, रेस ट्रैक पे स्पोर्ट्स कार भगाई है, पर आज गाड़ी चलाने वाले हैं पानी के ऊपर। तुमने GTA Vice City का वो वाला चीट कोड देखा, सीवेज, वो डालते कैसे पानी पे गाड़ी भागती है, वही आज हम लोग करने वाले हैं इस जेट कार के साथ। लेट्स गो। तो अभी इन लोगों ने मुझे मेरी जेट कार के साथ पानी के एकदम बीचों बीच लाके छोड़ दिया है। खैर, जो भी हो, व्यू काफी प्यारा आ रहा था और अब बारी थी इस व्यू को एंजॉय करते हुए जेट कार को फुल स्पीड में भगाने की। बट जो भी हो, तुम्हारा भाई हर काम बहुत ज्यादा खुराफाती करता है, इसलिए गाड़ी भगाने से पहले मैंने मारे बहुत सारे डोनट, मतलब गाड़ी को बस दबा के घुमा दिया इस पानी के बीच में, और फिर जेट स्कीज के साथ रेस करता हुआ मैं अपनी जेट कार को लेके फुल स्पीड में निकल गया। कार को पानी के ऊपर चलाते हुए सच में ऐसी फील आ रही थी कि जैसे मैं कोई गेम खेल रहा हूँ। खैर, जेट कार चलाने में तो बहुत मजा आया, बट इसके बाद जो एक्टिविटी मुझे करनी थी वो थोड़ी सी एक्सट्रीम थी। मैं जाने वाला हूँ दुबई की एक बहुत ऊंची बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे, और वहाँ से मुझे जंप करके एक जिप लाइन के थ्रू ग्राउंड तक आना है। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं आ चुका हूँ काफी ज्यादा हाइट पे इस बिल्डिंग के। ये है 44th फ्लोर और यहाँ से मैं करने वाला हूँ जिप लाइन। भाई, व्यू कितना ज्यादा प्यारा है। भाई सही बताऊँ, अभी तक बिल्कुल ही फटी थी, बट जैसे ही ऊपर आया हूँ मेरी थोड़ी सी फटनी चालू हो गई है। भाई, स्काई डाइविंग में डर नहीं लगा था, बट इसमें पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा बहुत डर लगा। इतनी ज़्यादा हाइट है, मैं यहाँ से करने वाला हूँ जिप लाइन, पूरा लटक के मैं जाऊँगा नीचे। तो ये है वो एरिया जहाँ से जिप लाइन होने वाली है, राइट साइड से चालू होगी और मेरे को प्रॉपर एकदम नीचे तक जाना है वहाँ पे। थोड़ी सी आदत है। यार, स्काई डाइविंग में इतनी नहीं फटी थी भाई। रेडी रेडी रेडी। वो भी कोई नॉर्मल जगह पे नहीं, ये जगह तुम्हें थोड़ी बहुत देखी देखी लग रही होगी। तुमने करण औजला सिद्धू बाजी के गाने में जगह देखी, एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ पे आज मैं गाड़ी चलाऊंगा। चलो भाई, बातें शादी बहुत होगी, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, गाड़ी को स्टार्ट कर देते। चलो गाइस, फाइनली
लैम्बोर्गिनी में हम लोग आ चुके हैं और अभी मैं थोड़ा सा यूज टू हो रहा हूँ क्योंकि गाड़ी में पावर बहुत ज़्यादा है भाई। मज़े तो यार लैम्बोर्गिनी में, क्या प्यारी है, ऐसे पूरे कंट्रोल एकदम गेमिंग वाले हैं, ऐसे राइट लेफ्ट का इंडिकेटर देना तो ये सिंपल बटन। पिछले टास्क में लैम्बोर्गिनी चलाना मेरा ड्रीम था जो कि पूरा हो गया। बड़ा बारी थी डेजर्ट सफारी की, तो डेजर्ट सफारी में सबसे पहले रेत के टीलों पे 4x4 कार का एक्सपीरियंस तो करा ही करा, बट मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ खुद एक ATV बाइक चलाने के लिए, वो भी डेजर्ट में। तो चलो गाइस अभी मैं फुल रेडी हो चुका हूँ डेजर्ट में ATV चलाने के लिए। हेलमेट पहन लिया, स्कार्फ पहन लिया, लेट्स गो भाई, चलते हैं, देखते हैं कितनी स्पीड पे मैं इसे भगा पाऊंगा। पानी पे गाड़ी चला लिया, अब बारी है रेत में गाड़ी चलाने की। भाई साहब बहुत फन, पर पता है इसमें दिक्कत क्या है, क्लाइम करके बहुत ऊपर जाना पड़ता है, दिखाना अभी तुम्हें लग रहा है ये तो बहुत पास नहीं है, पर बहुत ही हालत खराब हो जाती है इतना सा चढ़ने में भी, ये सैंड में एक दिन लग जाएगा भाई। डेजर्ट सफारी करने के बाद मैं चला गया दुबई से बहुत ज्यादा दूर UAE के सबसे ऊंचे माउंटेन्स पे कुछ एपिक एडवेंचर करने के लिए। दुबई से 120 किलोमीटर दूर मैं आ चुका हूँ यहाँ के स्विट्जरलैंड पे, बस ये थोड़ा सा ड्राई वर्जन है, पूरा स्विट्जरलैंड समझ लो सूख चुका है। वैसे सही बताऊँ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा तुम्हें धूप दिख रही होगी, बट एक्चुअल में यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड है, तो इसके लिए पहले कड़क चाय पी रहे हैं, उसके बाद क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज करनी है। भाई इधर है दुनिया की सबसे बड़ी ज़िपलाइन जो कि इस माउंटेन से इस माउंटेन तक आती है, मतलब तुम समझ रहे हो मैं पूरा उस खाई में ऐसे लटक कर आने वाला हूँ। इधर बहुत ज्यादा खतरनाक मौत का खेल होने वाला है यार, बट हाँ सबसे पहले चलते हैं स्लेडर पे। स्लेडर वैसे मुझे भी नहीं पता था, बट यहाँ आके पता चला है कि वो एक माउंटेन का रोलर कोस्टर होता है। तो यहाँ से मैं पहले ऊपर जाऊंगा, फिर वहां से पता नहीं कहीं से तो घूम घूम के कुछ तो अजीब होने वाला है भाई, बहुत बहुत तेज चलता है वो, तो हालत तो टाइट होगी आज। तो ये है अपनी कार जिस पे मैं बैठने जा रहा हूँ, लेट्स गो। चलो गाइस तो अभी मैं कार्ट में आकर बैठ चुका हूँ, अब इसे कार्ट कह लो, रोलर कोस्टर का छोटा डिब्बा कह लो, मुझे नहीं पता, बट हाँ ये भी यहाँ से ऊपर चढ़ना चालू हो गई है। भाई सही बताऊँ ना मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि आखिरकार मैं माउंटेन के कितना ऊपर जा रहा हूँ, मतलब ये खत्म ही नहीं हो रहा रास्ता, देखो ऊपर ये लोग ले जाए जा रहे हैं, ले जाए जा रहे हैं, ले जाए जा रहे हैं। गाइस मैं इतना ज्यादा ऊपर आ चुका हूँ ना, ये जगह मुझे अपना प्लैनेट लग ही नहीं रही है, अबे क्या चांद पे ले जा रहे हैं क्या भाई, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाना है। लेट्स गो, शायद से अभी मैं कहीं पर तो पहुंचा हूं। एक्चुअल मुझे लग रहा है स्टेशन यहां से अपनी राइड स्टार्ट होगी। भाई साहब स्पीड तो है,
ओ भाई, अरे क्या स्पीड है यार, लेट्स गो भाई। मैं बहुत ज़्यादा तेज तो नहीं जा रहा कहीं? वैसे गाइस देखो, सही बताऊँ तो मेरे कंट्रोल में सिर्फ एक्सेलरेशन और ब्रेक है, राइट लेफ्ट ये खुद ही हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टर्न है। ऐसे लग रहा है भाई खाई में चले जाऊँगा भाई, थोड़ा धीरे कर लेना चाहिए भाई। ओके अभी स्पीड बढ़ा लिया यहाँ पे वापस से। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी भाई, क्या स्पीड में आ मैं लास्ट वाले में। देखो मेरे को पता लग गया था राइड खत्म होने वाली, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी फुल भगा दी जाए जितनी तेज है भाग सकते हो। और मुझे नहीं पता पर मैं बहुत तेज स्पीड पे था, जितनी इस कार्ट की औकात थी मैंने उतनी तेज इसको भगाया। मैंने ब्रेक सच में नहीं मारी, फुल एक्सेलरेशन दे के एकदम लगा दी भाई, बस लेट्स गो, मजा आ गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ दुनिया की सबसे बड़ी जिप लाइन पे। ये जिप लाइन मुझे एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पे ले जाएगी, वो भी खाई के ऊपर से। और ये जिप लाइन सबसे लंबे होने के साथ साथ बहुत ज्यादा फास्ट भी है, क्योंकि मैं एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पे 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाने वाला हूँ। मतलब लेजिट मैं आयरन मैन की तरह उड़ता हुआ फील करूंगा भाई। सच बताऊं तो पहले मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था इस माउंटेन से, इस खाई से, बट जैसे मुझे पता चला 160 किलोमीटर पर आवर थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। तो चलते हैं अभी। जिपलाइन स्टार्ट यहाँ से होनी है, बट जिपलाइन का एंड पॉइंट कहाँ पे है बिल्कुल नहीं दिख रहा, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट है। तो पता ही नहीं मैं कहाँ तक जाने वाला हूँ। अभी चलते हैं, नंबर अपना आंसर। 100% तो चलो गाइस, आज के सल वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, और नहीं लगी तो लगनी चाहिए, दोबारा देखो भाई, मुझे नहीं पता बट लिखो जाके जबरदस्ती वीडियो अच्छी लगी। मजाक बटा यार, सच बताऊं तो मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया भाई। मतलब पहले नॉर्मल जिप लाइन करी बिल्डिंग से, फिर उसके बाद पूरी माउंटेन पे, फिर रोलर कोस्टर, भाई कुछ भी करा है इस वीडियो में यार, मतलब मजा आ गया। तो बहुत मजा आया, आई होप आप लोग को भी मजा आया होगा। कमेंट्स में बताना वीडियो कैसी लगी, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।